बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के बीच हर दिन कुछ रिश्ते टूटते हैं और कुछ रिश्ते बनते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता था अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी का। कभी ऐसी खबरें थी कि रानी मुखर्जी बच्चन परिवार की बहू बनेंगी। उनके और अभिषेक बच्चन के रिश्ते की खबर आम थी, लेकिन बाद में उनके झगड़े और बच्चन कैंप से बाहर होने की खबर ने सनसनी मचा दी थी। आइए जानते हैं किन गलत फहमियों की बलि चढ़ गयी रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का रिश्ता। रानी मुखर्जी और बच्चन परिवार के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा बच्चन परिवार उन्हें बहुत पसंद करता था। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के अफेयर भी खूब चर्चा में थी। कहा तो यहाँ तक गया था कि वो शादी भी करने के बारे में सोच रहे थे। बच्चन परिवार को भी रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का रिश्ता मंजूर था। चर्चाएं शुरू हो गई कि रानी मुखर्जी बच्चन परिवार की बहू बनेगी। जया बच्चन रानी को काफी पसंद करती थी। दोनों के बीच बंगाल का कनेक्शन उनके गहरे बॉन्ड की रीढ़ बन गया था, लेकिन फिर अचानक उनका रिश्ता टूट गया। कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण न सिर्फ अभिषेक और रानी का रिश्ता टूटा, बल्कि बच्चन परिवार संग रानी के रिश्ते में भी खटास आ गई। हालांकि आज उनके बीच सब कुछ ठीक है और जया व रानी मुखर्जी गर्मजोशी से मिलती है, लेकिन तब यहाँ तक दावा किया गया था कि रानी मुखर्जी अब बच्चन कैंप से बाहर हो चुकी है। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के झगड़ों की भी खबर आने लगी थी। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। पहली बार उनकी जोड़ी साल 2001 में आई फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में बनी थी। इसके बाद उन्होंने LOC कारगिल, लागा चुनरी में दाग, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में काम किया। साथ काम करने के दौरान अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के अफेयर की भी खबरें आने लगी थी। दरअसल ब्लैक में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच एक लिप लॉक था, जिससे बवाल मच गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन को ये देखकर बुरा लगा कि रानी ने फिल्म में उनके पति को किस किया है। अभिषेक बच्चन को भी ये रास नहीं आया। दावा किया जाता है कि इस लिप लॉक के बाद से रानी मुखर्जी और बच्चन परिवार के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। रही सही कसर साल 2000 में आई फिल्म लागा चुनरी में दाग के दौरान पूरी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट पर रानी मुखर्जी और जया बच्चन के बीच तल्खी बढ़ने लगी थी। फिल्म में रानी मुखर्जी ने जया बच्चन की बेटी का रोल प्ले किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर शूट के बीच जब एक बार जया कोनकोना सेन शर्मा के साथ बैठी थी, तो उन्होंने रानी पर तंज कसते हुए कोनकोना से कहा था कि वो एक दिन के लिए उन्हें अपनी हंसी दे सकती है। इस पर कोनकोना जोर से हंसी, पर रानी मुखर्जी चिढ़ गई। उसके बाद से जया और रानी के बीच टेंशन बढ़ गई। उसी दौरान ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि रानी मुखर्जी को बच्चन कैंप से बाहर कर दिया गया है और वो अब कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगी। रिश्ते में कड़वाहट और जया बच्चन संग कोल्ड वॉर के बीच अभिषेक और रानी के झगड़े की भी खबर आने लगी थी। हालांकि एक बातचीत में अभिषेक बच्चन ने इससे इनकार किया था और कहा था, किसने कहा कि हमारे बीच झगड़ा या टक्कर है? इस तरह की बातों से हमारी दोस्ती पर कभी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैंने और रानी ने ज्यादातर फिल्मों में पति पत्नी का रोल किया है। मैं उनके साथ और भी फिल्में करना चाहता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन ने फिर रानी मुखर्जी को बहू बनाने का अपना मन बदल दिया था। ऐसी भी चर्चा थी कि अभिषेक और रानी के बीच तल्खी तब आई जब बच्चन परिवार एक बार रिश्ता लेकर रानी के घर पहुँचा और उनके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे जया बच्चन नाराज हो गयी। अब क्या हुआ, क्या नहीं और कितना सच है, ये दोनों परिवार जानते हैं। पर फिर रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोनों ने साल 2007 के बाद फिर कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया। बाद में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और उन्होंने अपनी शादी में रानी मुखर्जी या उनके परिवार को बुलाया तक नहीं। इससे रानी मुखर्जी को बड़ा झटका लगा था। ब्रेकअप के कुछ समय बाद ही अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को डेट करने लगे थे और फिर साल 2007 में शादी कर ली। तमाम स्टार्स इस शादी में शामिल हुए, पर रानी मुखर्जी को नहीं बुलाया गया। इस बारे में रानी मुखर्जी ने फिल्म फेयर से कहा था, इसका जवाब तो अभिषेक ही दे सकते हैं। सच तो ये है कि अगर कोई इंसान आपको अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहता, तो आपको एहसास होता है कि आपका उस इंसान के साथ कैसा रिश्ता है। इस प्रकार रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिलहाल इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।